हेलो गाइस, क्या आप लोगों का फ्री फायर भी ऑटो बैक करता है? 2 GB रैम होते हुए भी लैग करता है? गेम के 2 सेकंड बाद में ही ब्लैक करेक्टर हो जाता है? आप फ्री फायर अब बिल्कुल भी नहीं खेल पा रहे हो? इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेके आज मैं आपके सामने एक बार फिर से आ गया हूँ गाइस। वीडियो को लास्ट तक देखेगा, पूरी देखेगा, आप लोगों को 101% सॉल्यूशन आप लोगों को मिलेगा। इस वीडियो में मैं 3 पॉइंट्स आप लोगों को बताने वाला हूँ जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं गेम को चलाने के लिए। तो 3 पॉइंट्स के, सबसे पहले पॉइंट्स की मैं बात करूँ तो आप लोगों का जितना भी मतलब 2 GB रैम का वाला फ़ोन है, मैक्सिमम जो यूज़र्स हैं वो 2 GB रैम वाले यूज़र्स ही हैं, ठीक है। तो 3 GB रैम वालों में लैग की प्रॉब्लम होती है, तो उनका सोल्यूशन तो मैं पहले भी बता चुका हूँ और ये आज की वीडियो में भी बता रहा हूँ कि आप लोग अब कॉन्फिग यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोगों का लैग की प्रॉब्लम जितनी भी है वो सब सोल्यूशन आप लोगों का हो जाएगा उससे, ठीक है। अब रही बात 2 GB वालों की, 2 GB में क्या होता है, वही सैमसंग J2 18 वाले की मैं बात करूँगा मैं, जिसमें क्या होता है भाई, ऑटो बैक की समस्या रहती है और गेम चलता नहीं है भाई 2 मिनट में खेलने के बाद में फिर वापस वैसे ही हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ भाई। आज वाला जो कॉन्फ़िगरेशन होने वाला है ना भाई, सबसे ज़्यादा खतरनाक वाला होने वाला है। इसके अंदर वी बोर्ड कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को मिलेगा, जिसके अंदर आप लोगों को है भाई सब कुछ एडम वगैरह करेक्टर वगैरह सब लोग आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आप लोग वो स्मूथली गेम वो चला पाओगे। एक मैच आप लोगों का कन्फर्म है, वो आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है। 3 स्टेप मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, वो अगर आप लोग नहीं करोगे तो मैं कोई गारंटी नहीं लेता हूँ कि आप लोगों का गेम वो चल पाएगा, ठीक है। 3 स्टेप होना, जिसमें सबसे पहला जो स्टेप होने वाला वो ये है कि आप लोगों के फ़ोन में अगर आप लोगों ने रीसेट अगर नहीं कर रखा है कभी भी, मतलब 4-5 मतलब हो गए महीने मंथ हो गए आप लोगों को, ठीक है, और ईयर भी हो चुका होगा, तो आप लोग कृपया करके एक बार वो रीसेट अपना फ़ोन ज़रूर कर लीजिएगा अगर कर सको तो आप, ठीक है। वरना आप लोग कॉन्फिग यूज़ करिएगा, कॉन्फिग से केवल 60-70% आप लोगों का सोल्व होगा। इस बार वाला अच्छा कॉन्फिगेशन है तो इसका नाम का वो 80% तक भी आप लोगों का सोल्व हो जाएगा आराम से, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट होने वाला है वो इससे भी बढ़िया होने वाला है कि आप लोगों ने अगर है वो फ़ोन्स के अंदर रैम फ्री कर रखी है, रैम फ्री है, फिर डेटा जितना भी स्पेस वगैरह फ्री है सब आप लोगों को फ्री करना होगा। आप लोग केवल फ्री फायर के अलावा कोई एप्लीकेशन मत रखो, ठीक है। व्हाट्सएप वगैरह रख सकते हो आप लोग, बाकी सब लोग है फेसबुक वगैरह जितने भी आप लोग यूज़ करते हो वो सब आप लोगों को क्रोम में यूज़ किया करो, ठीक है। क्रोम में यूज़ किया करो या फिर सैमसंग इंटरनेट, जितना भी कुछ आप लोगों को मतलब फीचर दे रखा है फ़ोन के अंदर आप लोग उसमें यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एप्लीकेशन वगैरह आप लोग डाउनलोड मत करिएगा, रैम फ्री आप लगातार वो कैश फाइल वगैरह क्लियर करते रहा करो, और कोई एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड करनी है तो आप लोग वो भी कर लिया करो, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट की मैं बात करूँ तो थर्ड पॉइंट है वो नॉर्मली मतलब सभी यूज़र्स यूज़ करते हैं, इसके मतलब कुछ 10-20% आप लोगों का मतलब सॉल्व हो सकता है, जिसके अंदर एनिमेशन स्केल्स वगैरह हो गई और बैटरी सेवर मोड वगैरह हो गया, काफ़ी मतलब ये सेटिंग्स वगैरह जितने भी हो गई ना ये सब उसके अंदर ऐड हो गई सारी, ठीक है, थर्ड पॉइंट के अंदर। इसके अलावा एक एप्लीकेशन भी है, ठीक है, उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग उसे यूज़ करके देखिएगा, ठीक है। मेन आईडी में मत करिएगा उसे, मतलब किसी दूसरी आईडी में मतलब गेस्ट आईडी में आप लोग ट्राई करिएगा, आप लोग कॉन्फ़िगरेशन प्लस उस एप्लीकेशन को दोनों को यूज़ करिएगा साथ में, ठीक है। दोनों को यूज़ करके आप लोग चला के देखिएगा, अगर आप लोगों का अच्छा चल रहा होगा ना तो भाई कमेंट बॉक्स में मुझे बोलना, यहाँ भी अच्छा चल रहा है, स्मूथ चल रहा है, ठीक है। आप लोगों कमेंट बॉक्स में बोलना उस एप्लीकेशन के साथ आप लोगों को प्लस कॉन्फ़िग लगा के आप लोगों को यूज़ करना है उसको, ठीक है। कॉन्फ़िग कैसे लगाते हैं वो गाइस मैं वीडियो के लास्ट में हर बार बताता हूँ, तो इस बार भी आप लोगों को बताऊंगा कि वीडियो के लास्ट में भी कॉन्फ़िगरेशन कैसे लगाते हैं। जिस भाई को लगाना नहीं आता हो तो गाइस डिस्क्रिप्शन में आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ पे मेरे को कॉन्टैक्ट्स वगैरह आप लोगों को मिल जाएंगे, वहाँ से आप लोग वो मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोग के मतलब अच्छे से आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा और भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। हर एक वीडियो को बनाने के लिए ना भाई पूरा दिन लग जाता है, तो इसलिए गाइज लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है। आज की वीडियो गाइज ज़्यादा बड़ी नहीं रखूँ, छोटी रखूँगा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को जल्दी से आप लोगों का सॉल्यूशन मिल पाएगा, क्योंकि काफ़ी मतलब 4-5 डेज हो गए कि आप लोगों के लिए वीडियो मैंने नहीं लाया था, ठीक है। तो इसलिए गाइज आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ, तो आप लोग जल्दी से आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो गाइज लाइक कर दीजिएगा, ठीक है गाइज। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए गाइज जल्दी से आप सीख लेते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे लगाते हैं, ठीक है गाइज। चलो सबसे पहले आप लोग वो डिस्क्रिप्शन से फाइल वो डाउनलोड कर लीजिएगा, एक ZRCiver एक एप्लीकेशन होगी वो भी आप लोग साथ में डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद में जैसे आप लोग उसको ओपन करेंगे ना com.details कुछ ऐसी फ्री फायर आपको फाइल मिलेगी, उसको आप लोग क्या करना है किसी दूसरे फोल्डर में जाके रैंडम किसी भी फोल्डर में आप लोग उसको कॉपी कर लेना और उसको याद रखना है, ठीक है। ये मैंने इस फोल्डर में कॉपी कर रहा हूँ, मैंने इस फोल्डर में कॉपी कर दी, ठीक है, इस फाइल को। और इसके अलावा आप लोग जाना है फिर एंड्रॉइड में जाना है, डाटा में जाना है, ठीक है। एंड्रॉइड यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको, दूसरे नंबर पर एंड्रॉइड में जाना है, डाटा में जाना है, वहाँ जाके आप लोगों है वो com.details कुछ ऐसी फ्री फायर फाइल होगी उसको आप लोगों को कर देनी है डिलीट,
ठीक है, इस फाइल को मैं कर रहा हूँ डिलीट। आप लोग इसको मूव भी कर सकते हैं फॉर फर्दर यूज़। आप लोग इसको कर दीजिए डिलीट। डिलीट करने के बाद में आपने जो रैंडम फोल्डर में जो फाइल पेस्ट करी थी ना, उसको फाइल को आप लोग कॉपी करना है, एंड्रॉइड में जाना है, डाटा में जाना है, और वहाँ पे जाके डाटा में जाके आप लोगों को है वो पेस्ट कर देनी है वो फाइल। बस इतने सिंपल से स्टेप आप लोगों को, जो कॉम डॉट डिटेल्स कुछ फाइल है तो आपको इंटरचेंज करनी है बस, बाकी वो कुछ भी नहीं करना आप लोगों को, केवल फाइल्स वगैरह आप लोग इंटरचेंज कर सकते हो। और फिर आप लोग है वो एक बार फ़ोन को रिस्टार्ट कर लीजिएगा, फिर गेम है वो स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, किसी को स्टेप समझ में नहीं आया वीडियो पॉज करके आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है गाइज, आज की वीडियो इतनी ही है। थैंक यू गाइज़।